तो गाइस देखिए, आज फिर हम पाया बना रहे हैं। ये रहा ये पाया, मैंने ऐसा गलाई ऐसा गलाई ऐसा गलाई, ये क्या बताऊं, मैंने कैसा गलाई इसको, पतेले में डाल के पूरा मैंने 10 घंटा गलाई पूरा। देखो सब छूट गया इसमें, जो कल 4 बजे मैंने चढ़ाई थी, रात में मैंने 3 बजे बंद करी हूँ गैस को, स्लो स्लो पे पक रहा था। देखो और मुझे ये बड़े एकदम पाए ना, एकदम ऐसे गले हुए अच्छे लगते, और इसका सूप मस्त निकला है। अब बताती हूँ सूप भी, ये देखो ये प्याले बॉल में है सूप, निकाल के रखी हुई हूँ मैं, और अभी थोड़ा इसमें से अबरार पिया है। अब देखो ये सूप एकदम वो सूप बना, चिकट एकदम बोलते ना हाथ, एकदम उंगलियां चिपकने वाला सूप बना है ये। तो यही सूप अच्छा लगता है, क्योंकि कुकर में गलाओ ना तो नहीं मजा आता है बिल्कुल भी। अब इसका मसाला भी ये देखो रेडी कर रही हूँ, और यहाँ प्याज मैंने रखी हूँ फ्राई करने इसमें, है ना। तो अब मैं सालन बना रही हूँ, मेरा पाए का सालन बन जाएगा, और खिचड़ी बनाने की उसके साथ में। हम लोग के अनोखी चीज़ें सब चीज़ बनती है। मैंने सोची कि तंदूर की रोटी बनाऊंगी मैं यहाँ पर घर में, तो चलो अभी टाइम भी नहीं वैसा मेरे पास भी, अभी मेरे को भी नहाना है, नमाज पढ़ना है सब, तो इसके लिए मैं बनाने को नहीं बना रही हूँ, सिर्फ खिचड़ी और ये बना रही हूँ पाए का सालन। बाद में देखेंगे शाम को पाव वगैरह नहीं तो लाएंगे, अभी भी पाव लेकर आ सकते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं ना कड़क पाव, प्रॉब्लम है। हम लोग कल खाएंगे सालन से सुबह में नाश्ते में, ठीक है। तो गाइस देखिए, ये चीज़ डाल के इसमें खाना चाहिए, मिर्ची हरी नींबू और अदरक कोथमीर, कोथमीर अभी मैं डालूंगी काट के इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ ऊपर से पाए की सालन में डाल के खाओ तो टेस्ट बहुत आता है, मज़ा आता है, ठीक है। मेरा सालन हो गया, बताती हूँ। तो देखिए ये सालन मेरा हो गया है गरम गरम ढक्कन, देखिए है ना पाए का सालन, ये है पाया पाया जिसने खाया खाया सर्दियों में। पक रहा है ना, तो अभी तरी ऊपर आएगी, धीरे धीरे आएगी, सिलो पे पक रहा है, ठीक है। तो ये है ठंडियों का दुश्मन पाया, मालूम है आप लोगों को, स्वेटर मफलर और शाल ये सब मोह माया का जाल है, और जिसने पाया खाया है वो ठंडी को भगाया है, ठीक है। ये खिचड़ी मैंने बनाई थी, ये बनाई आप लोगों को बता ही नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। और खिचड़ी मैं ऐसे ही नहीं बनाती, देखिए इसमें प्याज उसके बघार देके मस्त में बनाती हूँ मैं, घी में ऐसा नहीं बनाती हूँ खाली धो के चावल और दाल डाल के। मार खाएगा तू, चुप, पता भी नहीं चलेगा, एक रात छोड़ देंगे अगली रात वाले चैनल में। अच्छा मेरे चैनल से बहुत प्रॉब्लम है तुझे, शोरमा खाएगा? हाँ शोरमा, कौन सा वही जो लाती है, और कौन सा भाई, वो तो वायर चूहे ने खाया था, उन्होंने चूहे में चेंज किया। अभी क्या हो रहा है देखो, तुम अभी फिर डीवीआर वाले को बुलाओ ना, पूछो ना भाई क्यों कर रहा है इसे। नहीं नहीं तो उसको बुलाओ, मैं आता हूँ ना सामने, उसके सामने बात करता हूँ। देखो हाँ, उसको बंद करके अभी चालू करो, जाएगा बुढ़िया शोरमा लेने जा रही है। ब्लॉग बन रहा है तेरा, डर भी लो ना, उनका क्या लूँ, वो उनकी जगह से जल्दी फेमस हो जाएगी। हाँ वो ऐसा पड़े रहते खाली मोबाइल देख रहे। शोरमा लेने जा रही है ना? हाँ जा रही हूँ। आज संडे है तो संडे का शोरमा, आज गुड़िया पे पूरा फोकस रखती है, तबीयत सही नहीं है मालूम है। शोरमा लेकर आ सकते हैं, वो किसको कर रही है मेरे को? अच्छा
हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम हम लोग भी ठीक है, आप लोग भी दुआ से। मैंने आज सुबह से आप लोगों को क्या क्या बताई है, पाए के सालन के और अपना क्या बोलते हैं, और थोड़ा बहुत सर शूट करी हूँ, जैसा कि चोरमा वगैरह जो गुड़िया लगे। थोड़ा मेरी वीडियो देख कर आप लोगों को अच्छा लगेगा जो मैंने बनाई छोटा सा व्लॉग, तो सही लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो ज़रूरी है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर।